नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। उन्नाव पुलिस के भाईचारे की मिसाल पेश की है। यहां एडिशनल एसपी ने मुस्लिम दिव्यांग युवती को उपहार में एलसीडी टीवी दिया है। इसके साथ ही एडिशनल एसपी ने चलने फिरने में असमर्थ शाविस्ता को मिठाई और गिफ्ट भी दिए। आपको बता दें कि इससे पहले एडिशनल एसपी इस मुस्लिम दिव्यांग को नवरात्र में कपड़ों की भेंट दे चुके हैं और उसके पहले उसके घर में इन्वर्टर और पंखे का भी इंतजाम कर चुके हैं। पेपर द्वारा वो हमसे मिलने आया, फिर उसके बाद में उन्होंने जब देखा कर तो हमको उनकी बातें मतलब कि अच्छी लगी और वो पहली बार आए तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। तो मतलब आज तक कौन आता है गिफ्ट लेके, सब आते हैं ऐसे ही आश्वासन दे के चले जाते हैं। मतलब हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद में ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, उसके अंदर बहुत सी सामान थी। उसके बाद इन्वर्टर लगवाया, पंखा, और मेरे घर में LED ही वो ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने सर से कहा, वो बना नहीं रहा था टीवी वाला, उसने कहा फूक गई है। तो फिर हमने सर से कहा तो वो बनी ही नहीं, उन्होंने कानपुर तक की भेजा, वो बनी ही नहीं। फिर उन्होंने आज धनतेरस वाले दिन हमको न्यू टीवी ला कर दिया है, उसके साथ कुछ गिफ्ट भी हैं। कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा। हमारे सरकार की नीति है कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हों, पीड़ित वर्ग हों, दिव्यांगजन हों, उनकी मदद की जाए। मेरे संज्ञान में समाचार पत्रों के माध्यम से आया कि साविस्ता खातून जो दोनों हाथ और पैर से दिव्यांग है, तो मैं इसकी मदद के लिए पिछले माह आया। मेरे स्तर से जो कुछ भी हो सका मैंने मदद किया। इसके द्वारा बताया गया कि यहाँ गर्मी और प्रकाश के लिए मेरी पढ़ाई BA फर्स्ट ईयर में है, इन्वर्टर, बैटरी, पंखे आदि की आवश्यकता थी, मैंने उसको पूरा किया। इसके बाद गरीबी मुफलिसी में जी रही है, शादी पार्टी में जाने में कपड़े और परिधान की आवश्यकता पड़ती थी, मैंने बुलवा करके वो भी व्यवस्था करवा दिया पूरे परिवार सब के लिए। घर में TV थी, ख़राब हो चुकी थी, नहीं काम करती थी। आज दीपावली के पूर्व धनतेरस के अवसर पर मैंने सोचा कि दिव्यांग साविस्ता खातून के लिए अपने तरफ से, अपने पुलिस परिवार की तरफ से, जन सामान्य की तरफ से इसको एक LED और जो दीपावली के गिफ्ट मिठाइयां उपहार दिया। और मैं इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और दीपावली के सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उन्नाव से कैमरामैन जेकब नकवी के साथ सिद्दीक अहमद की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।